जनपद के थाना खजनी से संबंधित फरार चल रहे अभियुक्त रविंद्र निषाद पुत्र भगाने उर्फ सुंदर निषाद निवासी चक्रावल थाना राजघाट के घर पर खजनी पुलिस ने डुगडुगी पिटवाई। गौरतलब है कि खजनी थाने में विभिन्न धाराओं में वांछित अभियुक्त रविंद्र निषाद काफी दिनों से फरार चल रहा है। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का काफी प्रयास किया गया, लेकिन अभियुक्त ना तो न्यायालय में उपस्थित हुआ ना ही गिरफ्तार हुआ है। लगातार फरार चल रहे अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय द्वारा धारा 82 CRPC की नोटिस प्राप्त कर नियमानुसार उसके आवास चक्रा अव्वल थाना राजघाट पर भारी पुलिस बल के साथ उसके मकान पर धारा 82 CRPC की घोषणा की नोटिस को डुगडुगी पिटवा कर चस्पा किया गया तथा अनाउंस किया गया कि अभियुक्त रविंद्र निषाद यदि नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध धारा 83 कुर्की CRPC की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, CRPC की कार्रवाई संपादित की गई है, जो थाना खजनी के मुकदमे में वांछित चल रहा है। अभी तक न्यायालय वांछित नहीं है हुआ है। सुने रविंद्र निषाद खजनी के लिए लगातार खराब चल रहा है। रविंद्र निषाद के खिलाफ माननीय न्यायालय द्वारा जारी की गई है। एक दिवस के अंदर यदि न्यायालय कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इनके विरुद्ध न्यायालय के आदेश 82 इनके दरवाजे पर चस्पा किया जा रहा है। सुनो चक्रा अव्वल निवासी रविंद्र निषाद पुत्र भगाने पुत्र सुंदर निषाद के विरुद्ध थाना खजनी में हमसे सुनिए। आपके मोहल्ले के रविंद्र निषाद पुत्र भगाने उर्फ सुंदर निषाद निवासी चक्रा अव्वल थाना राजघाट, जिनके विरुद्ध थाना खजनी जनपद गोरखपुर में मुकदमा 307 IPC 100 नोटिस चस्पा के 30 दिवस के अंदर यदि उपस्थित रविंद्र निषाद न्यायालय में नहीं। थाना खजनी क्षेत्र में जमीन का एक विवाद है। उस विवाद में जबरिया जिसका कब्जा था उसका कब्जा हटाने के लिए JCB मशीन और कुछ लोगों के साथ रविंद्र निषाद एक पक्ष की ओर से गए, उसकी दीवारें ढा दिया और वो रोकने आए तो इस तरह से इन लोगों ने हरकत की कि जैसे लगता है कि जानलेवा हमला कर रहे हूं, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत हुआ। इनकी गिरफ्तारी न होने पर इनके खिलाफ इनाम भी घोषित हुआ, फिर भी नहीं आए तो पुलिस ने माननीय न्यायालय से 82 CRPC की उद्घोषणा प्राप्त की, जिसका तामीला आज डुगडुगी बजा करके कराया गया है।
आगे इसके बाद भी अगर न्यायालय का आदेश नहीं मानेंगे तो 174 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और 83 सीआरपीसी का आदेश प्राप्त कर संपत्ति कुर्क की जाएगी।